हेलो दोस्तों, वापस से मैं नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्लॉग्स। तो फिलहाल जो है, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि आप जो है, बहुत सारे लोग जो है अपना UPI जो है बना लेते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, और अभी जो है आप लोग फिर से UPI ID जो है, पिन जो है भूल जाते हैं। तो उसको जो है आप किस प्रकार से जो है फॉरगेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए, अब जो है मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको जो है पूरा प्रोसेस बताता हूं। तो दोस्तों, आपको जो है अपने UPI पिन को जो है फॉरगेट करने के लिए सबसे पहले जो है कोई भी UPI एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि आपके पास जो है, हो सकता है कि फ़ोनपे होगा या अमेजोन होगा या गूगल पे होगा और या तो पेटीएम होगा। तो कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग ओपन कीजिएगा, और ओपन करने के बाद जो है, चलिए अभी जो है मैं फ़ोनपे एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लिया हूँ, देख सकते हैं। और ओपन करने के बाद जो है ऊपर जो है बाएं साइड जो है आप लोग को निशान दिख रहा होगा आदमी का, लोगो टाइप का, तो उस पर क्लिक करने करिएगा। जैसे कि यह जो लोगो है वह प्रोफाइल का लोगो है, और क्लिक करने के बाद जो है देखिए आपका जो है नाम शो कर देगा और या तो मोबाइल नंबर शो कर देगा, दोनों शो करेगा। तो चलिए अभी जो है मैं आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट में जो है आपका जितना भी बैंक लिंक होगा वो जो है आप लोग को सारा चीज़ शो कर देगा। तो देखिए मेरे पास जो है 3 बैंक जो है वह लिंक है। तो चलिए अभी जो है मेरा जो प्राइमरी बैंक है, जिसको जो है मैं अपना UPI पिन को जो है फॉरगेट करने वाला हूँ, वह पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जो देख सकते हैं UPI पिन के अंदर जो है, देखिए यहाँ पर जो है रीसेट और चेंज का जो है ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें जो है मैं अपना जो है UPI पिन को जो है हम रीसेट करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो है अपना UPI पिन याद नहीं है। और जैसे जैसे प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार से जो है आप लोग जो है पिन को जो है फॉरगेट कर सकते हैं, और आपका जो है कोई भी बैंक होगा प्रोसेस जो है सेम इसी तरीका से होगा। तो चलिए अब जो है हम रीसेट पर क्लिक करते हैं, और रीसेट पर क्लिक करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन आ रहा है, एक जो है आधार नंबर के द्वारा और एक जो है देखिए डेबिट कार्ड ATM के द्वारा। तो चलिए अभी जो है मैं डेबिट कार्ड ATM जो है सेलेक्ट कर लिया हूँ और प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। तो आपको जो है अपना जो UPI पिन है उसको फॉरगेट करने के लिए जो है देखिए आपको दिख रहा होगा लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर। तो अभी जो है मैं अपने कार्ड नंबर का जो है लास्ट 6 डिजिट इंटर करने वाला हूँ, और इंटर करने के बाद जो देखिए यहाँ पर जो है वैलिड अप टू, यानी कि वैलिड अप टू में जो है आपका जो है ATM कार्ड का जो है एक्सपायरी डालना है। तो चलिए अब जो है मैं अपना ATM कार्ड जो है का जो है मैं एक्सपायरी और लास्ट 6 डिजिट डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल जो है मैं अपना ATM कार्ड का जो है लास्ट 6 डिजिट और वैलिडिटी जो है उसका जो है पूरा जो है डाल लिया हूँ। तो देख सकते हैं डेट और मंथ दोनों डाल लिया हूँ, और उसके बाद जो है चलिए अब जो है हम प्रोसेड पर क्लिक करने वाले हैं। तो चलिए अभी जो है हम प्रोसेड पर क्लिक किए हैं, और प्रोसेड पर क्लिक करने के बाद जो है देखिए लिख रहा है कि इंटर 6 डिजिट बैंक OTP। तो आपके मोबाइल पर जो है वह OTP आएगा, जिसको जो है आपको फिल करना है। तो देखिए मेरा जो है ऑटो जो है डिटेक्ट हो गया है OTP। तो चलिए अब जो है हम सही के निशान पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आ रहा है सेट 4 डिजिट UPI पिन। तो चलिए आप जो है अपने अनुसार जो है 4 डिजिट UPI पिन डाल लीजिएगा, जो कि आपको याद रहे। तो चलिए अभी जो है मैं अपना 4 डिजिट UPI पिन को फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हम 4 डिजिट UPI को फिल किए हैं, और फिल करने के बाद जो है फिर से सही के निशान पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद जो फिर से आ रहा है कन्फर्म 4 डिजिट UPI पिन। तो अभी जो है हम फिर से UPI पिन को इंटर करते हैं जो पिछला बार जो है डाले थे। तो सेम आपको जो है वह पिन इंटर करना है। तो चलिए अभी जो है मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद जो है चलिए देखते हैं आगे जो है प्रोसेस होता है या नहीं होता है। तो चलिए अभी जो है ऑथेंटिकेट कर रहा है मेरा डिटेल्स, जो कि अगर सही होगा तो मेरा जो है UPI पिन जो है वह चेंज हो जाएगा। तो चलिए हमने जो है सारा चीज़ जो है सही सही डाला है, तो देख सकते हैं अभी जो है प्रोसेस में लगा हुआ है चेंज होने के लिए, देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसी प्रकार से जो है आप लोग भी कीजिएगा, तो आपका जो है
यूपीआई पिन जो है चेंज हो जाएगा। तो चलिए अभी जो है थोड़ा सा लगता है कि सर्वर जो है स्लो काम कर रहा है, इसकी वजह से जो है टाइम लग रहा है। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि मेरा जो है यूपीआई पिन जो है चेंज हो गया है।